हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं बढ़ रहा हूँ सैन फ्रांसिस्को की ओर, जहाँ पे गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस है, और इस पूरे चैनल के ऊपर मैं मेरे व्लॉग्स रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाला हूँ। तो यार बने रहिए मेरे साथ, अभी भागते हैं सैन फ्रांसिस्को की ओर। पहला स्टेशन है फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट जा रहे पहले, और फ्रैंकफर्ट से हम लोग SFO जाने वाले हैं। तो यार GDC दुनिया का सबसे बड़ा गेम डेवलपर्स का कॉन्फ्रेंस है, तो बहुत मज़ा आने वाला है एंड पूरी जर्नी मैं कवर करूँगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे का साइट सीइंग वगैरह कर लिए तो फिर वो भी कवर करूँगा। तो यार चलिए स्टार्ट करते हैं, प्लेन में बैठे हैं और निकल जाते हैं सैन फ्रांसिस्को। तो ये होने के बाद मैंने फ़्लाइट बोर्ड कर ली और फ़्लाइट की ओर बढ़ते हुए ये एक लंबी जर्नी शुरुआत हुई, जहाँ पे मैं चल रहा हूँ सैन फ्रांसिस्को की ओर। लेओवर होने वाला था फ्रैंकफर्ट में। ऑब्वियसली अगर आपने एक लंबा ट्रैवल किया है तो दो टाइप की फ़्लाइट्स होती है, एक डायरेक्ट फ़्लाइट और दूसरी होती है एक कनेक्टिंग फ़्लाइट। तो मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी मुंबई से फ्रैंकफर्ट और फिर फ्रैंकफर्ट से सैन फ्रांसिस्को। तो सबसे पहले फ्रैंकफर्ट की फ़्लाइट बोर्ड कर ली और अभी हम लोग जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट की ओर। वहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे एयरपोर्ट के ऊपर, बाहर जाने नहीं मिलेगा, ट्रांज़िट वीज़ा नहीं है, और फिर बाद में हम लोग फ्रैंकफर्ट से जाएंगे सैन फ्रांसिस्को की ओर। फ्रैंकफर्ट की फ़्लाइट में बैठ के एक अलग लेवल का पीस महसूस हो रहा था, क्योंकि जैसे ही आप आसमान में रहते हो सारी की सारी आपकी प्रॉब्लम्स जो आप नीचे छोड़ के आ जाते हो एंड फिर बस जर्नी एंजॉय करते हो। तो ऐसे पहुंच गए हम लोग फ्रैंकफर्ट। सो दोस्तों अभी पहुंच गया हूं मैं फ्रैंकफर्ट में। एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में हॉप कर लिया है, अब दूसरे टाइम जोन से तीसरे टाइम जोन में हॉप करना है। यहाँ पे कुछ 3 घंटे का लेओवर है, तो अभी नेक्स्ट फ्लाइट है कुछ यहाँ पे 10 बजे, तो 9:30 बजे तक का बोर्डिंग टाइम है। तो अभी बस यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, वो फ़्लाइट बोर्ड करूँगा और फिर मिलूँगा आपको सैन फ्रांसिस्को में। सो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है। फिर भी मुझे मुंबई का एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा पसंद है वर्ल्ड में। मेरे हिसाब से यार मुंबई एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। हावेवर यहाँ पर जब मैं रुक रहा था तो एक बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ हुई। सो दोस्तों फ़्लाइट अभी थोड़ी सी डिले हो गई है। जो फ़्लाइट 10:05 को जाने वाली थी, अभी 10:30 बजे बोर्डिंग शुरू हो रही है। तो अभी बस एयरपोर्ट पे रुका हूँ, बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ। ये देखिए ये पीछे जो है ये लाइन है, इसी में मेरे को ज्वाइन होना है। एंड वो होने के बाद 11 घंटे की फ़्लाइट है, या फ़्लाइट में तो मैं सो जाऊँगा क्योंकि बॉडी क्लॉक को भी एडजस्ट करना है, पता नहीं क्या होगा। चलिए अभी बोर्डिंग करते हैं, फिर बाद में फ़्लाइट में सोते हैं। और फिर फाइनली 11 घंटे की लंबी फ़्लाइट के बाद पहुंच गए हम सैन फ्रांसिस्को। सो दोस्तों अभी लंबी फ़्लाइट के बाद फाइनली लैंड हो गए हैं सैन फ्रांसिस्को में। हाँ बहुत हेक्टिक था फ़्लाइट। चलो इमिग्रेशन क्लियर करके आगे बात करते हैं। चलो इमिग्रेशन हो गया है, अभी मैं बढ़ रहा हूँ मेरे स्टे की ओर। स्टे के लिए द एम्स्टरडैम हॉस्टल करके जगह है, वहाँ पर स्टे कर रहा हूँ। वहाँ पे बंक बेड टाइप का सिस्टम है, तो अकेले को रूम नहीं मिलेगा, पूरा बेड्स रहेंगे मल्टीपल और शेयर्ड रूम है वैसा। वहाँ पे जाएंगे, रेस्ट करेंगे और आई थिंक सीधा कल ही शुरुआत करेंगे। मेरे कल कुछ मीटिंग्स लाइंड अप है तो वो भी मैं कवर करूँगा, बट आई थिंक आज के लिए हॉस्टल पहुँच के विल कॉल इट अ डे। अभी दोस्तों थोड़ा बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंक्वायरी कर लिया है और मैंने एक क्लिपर कार्ड करके है यहाँ पे, वो ख़रीदा है, उसके अंदर थोड़े से पैसे लोड किए हैं, वो मैं भी यूज़ करूँगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए क्लिपर कार्ड यूज़ करके अभी बार ट्रेन से मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। ये होने के बाद बार ट्रेन का यूज़ करके मैं पहुँच गया अपने हॉस्टल की ओर। मैं यहाँ से बार ट्रेन लेके पावल स्ट्रीट पे उतरा था और जैसे ही मैंने बार ट्रेन बोर्ड किया, वहाँ की जो ओवरऑल ट्रेन्स है काफ़ी अच्छी लगी मुझे, डायरेक्टली कनेक्ट करती है एयरपोर्ट को मेन सिटी के साथ। एंड ये पूरे बार ट्रेन के सफ़र में काफ़ी अच्छे सीनिक व्यूज़ भी देखने मिलते हैं। और ये होने के बाद यार मेरी इस दिन पर हवा टाइट हो गई, तो इस वजह से मैं हॉस्टल में जाके बस सो गया। सो दोस्तों अभी अगला दिन हो गया है, कल बहुत अच्छा रेस्ट मिला और अभी मैं निकला हूँ सैन फ्रांसिस्को की सड़कों के ऊपर। अब ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये है सैन फ्रांसिस्को ओकलैंड ब्रिज, जो सैन फ्रांसिस्को और ओकलैंड जो उस पार है उसको कनेक्ट करता है। और आज के दिन पे पूरा मीटिंग्स वगैरह है थोड़ी सी लाइंड अप, तो मुझे अभी मैं रुका हूँ कन्फर्मेशन के लिए, बट मुझे अभी ट्रैवल करना है एक दूसरे सिटी में यहाँ से। तो तब तक मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बहुत जल्दी उठ गया था मैं क्योंकि स्लीप साइकिल मेरा आई थिंक एडजस्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे ऐसे ही घूम रहा हूँ और रुका हूँ, कंफर्मेशन आता है वैसे ही वो मीटिंग के लिए निकल लूँगा, तब तक आपको थोड़े नज़ारे दिखाता हूँ। सो जल्दी उठने के बाद मैं सैन फ्रांसिस्को को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने निकल गया और लकीली काफ़ी अच्छा वेदर मिला मुझे। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे एकदम सनी वेदर था, थोड़ा सा विंडी था, थोड़ी बहुत ठंडी थी, बट यार फिर भी यार
ओवरऑल जो वेदर है काफ़ी अच्छा था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से मैंने सैन फ्रांसिस्को को उसके प्राइम में देखा, एंड साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा GTA सैन एंड्रियास टाइप की वाइब्स आ रही थी। आपने अगर GTA सैन एंड्रियास खेला है तो आपको पता है ये एरिया में आप आ सकते हो एक्चुअली इन गेम। तो यहाँ पे आते आते पूरा मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं खुद कार्ल जॉनसन बन गया हूँ और ये पूरा एरिया मैंने एक्सप्लोर करने लग गया। तो मैंने स्टार्ट किया एक्चुअली अपने स्टे की जगह से, वहाँ से मैं चलने लग गया और चलते चलते मैं पहुँच गया पायर 39 की ओर अभी मैं बढ़ रहा हूँ। जैसे मैं वो रास्ते पर जा रहा हूँ काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने मिल रही है, स्ट्रीट फूड आइटम्स दिख रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स दिख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे वेदर भी देख के। दोस्तों अभी इसी सड़क पे आगे जाके फिशरमैन्स वॉर्फ और पायर 39 आता है, जो एक अच्छा साइट सीइंग लोकेशन है जहाँ से आपको गोल्डन गेट ब्रिज का अच्छा व्यू मिलता है। तो अभी वहाँ पर जा रहा हूँ और थोड़ा बहुत वहाँ पर टाइम स्पेंड करके फिर बाद में मैं निकल लूँगा मेरी मीटिंग के लिए। तो चलिए चलते हैं फिशरमैन्स वॉर्फ पायर 39। सैन एंड्रियास अगर आपने खेला है तो यार ये जगह आपको एकदम एट द बैक ऑफ योर हेड पता होगी। मैंने बहुत खेला है सैन एंड्रियास इसलिए मुझे यहाँ पे एकदम कहीं पे दिक्कत नहीं हो रही है कहीं पे जगह ढूंढने के लिए, पूरा मसल मेमोरी है माइंड में। तो चलिए देखते हैं पायर 39 और फिशरमैन्स वॉर्फ। इन सड़कों के ऊपर चलते हुए मुझे एक और गेम की याद आती है जो मैंने खेला था, वॉचडॉग्स 2। और इनफैक्ट वॉचडॉग्स 2 को अगर आप खेलोगे तो वहाँ पे उन्होंने और ज़्यादा डिटेल में ये मैप बनाया था। सैन एंड्रियास में ऑब्वियसली ये जो सैन फियरो वाला एरिया था जो सैन फ्रांसिस्को को रिजेंबल करता है वहाँ पे थोड़ा बहुत उन्होंने कट डाउन किया था, बट अगर आपने वॉचडॉग्स 2 खेला है तो यार एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ही है। तो थोड़ी देर यहाँ पे बेंच पे बैठा, पूरा अच्छा खासा विंडी माहौल था और प्लस सनी डे भी था तो अच्छा लग रहा था। यहाँ पे एक अलग लेवल का सुकून महसूस हो रहा था, यहाँ पे नेबरिंग एरियाज़ में बस चल रहा था, देख रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था और यही एक दिमाग में ख्याल आ रहा था कि यार ये जो जगह है वॉचडॉग्स 2 को बहुत ही ज़्यादा रिसेंबल कर रही है। दोस्तों ये जो पूरा एरिया है अगर आपने वॉचडॉग्स 2 खेला है तो वो उसमें बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया, वो लोगों ने काफ़ी खूबसूरती से बनाया है एंड मैं बोल सकता हूँ एकदम 1:1 बनाया है, एकदम जैसे यहाँ पे है वैसे ही वो गेम में भी बनाया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये जो जगह है यहाँ पे मैं वापस भी आऊँगा, रात के टाइम पे आऊँगा, उस टाइम पे ये पूरा एकदम लाइट अप हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए अभी सुबह सुबह के टाइम पे कितने बजे यहाँ पे 9:45 AM हुआ है तो अभी भी व्यू देख लीजिए अच्छा ही है। ऐसे करते करते सुबह के टाइम पे पूरा का पूरा एरिया घूम रहा था यहाँ पे, जहाँ पे मैं पहुँचा जिस टाइम पे मैं पहुँचा एक्चुअली उस टाइम पे ये एरिया जस्ट ओपन अप हो रहा था। काफ़ी सारे शॉप्स आप देख सकते हो ये पूरे बंद थे, मोस्ट ऑफ़ द शॉप्स यहाँ पे 10 बजे खुलते हैं और मैं यहाँ पे आई थिंक राउंड अबाउट 9:45 9:30 के अराउंड घूम रहा था। तो इसी वजह से ज़्यादा कुछ ऐसे शॉप्स में इंटरेक्ट करने नहीं मिला, बट वो एम भी नहीं था, एम तो बस इतना ही था कि एक हल्का सा मॉर्निंग वॉक लेना है क्योंकि आगे का जो दिन था वो काफ़ी बिजी था एंड इसी वजह से मैं बस यहाँ पे आ गया था घूमने के लिए, थोड़ा बहुत एरिया एक्सप्लोर करने के लिए और वो होने के बाद बस ऐसे ही आगे मीटिंग्स के लिए बढ़ना था। तो इसी वजह से बस यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए आया था और वो आई थिंक एजेंडा फुलफिल हुआ। आई थिंक मेरे हिसाब से मैं थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी आ गया हूँ यहाँ पे, पूरा ये जो एरिया है खाली है, मोस्ट ऑफ द शॉप्स जो है वो 10 बजे खुलने वाले हैं यहाँ पे। तो धीरे धीरे दोपहर तक आई थिंक यहाँ पे भीड़ बढ़ जाएगी और शाम को, यार शाम को ये जगह देखने में बहुत खूबसूरत लगी ऐसा लग रहा है क्योंकि पूरे जो लाइट्स वगैरह है वो लाइट अप हो जाएंगे और मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह में भी देखे हैं शाम के टाइम पे बहुत अच्छा दिखता है। तो शाम को वापस आएंगे कभी, आज तो पॉसिबल नहीं होगा आने को बट किसी दिन आएंगे ज़रूर वापस। ये इतनी छोटी जगह में इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने के लिए और आपको एक अच्छा खासा व्यू भी देखने मिलेगा सिटी का, आप सामने देख सकते हो पूरा खूबसूरत सिटी का व्यू दिखने मिल रहा है। और ये व्यू देखने के बाद मैं बस ऐसे ही चल रहा था साइड साइड से कॉर्नर से, ये सामने आप देख सकते हो ये अल्कट्राज प्रिजन है, यहाँ पे अमेरिका के नोटोरियस क्रिमिनल्स को रखा जाता था और फिर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एक फेरिस व्हील है, यहाँ पे शायद आप बैठ भी सकते हो, मैंने तो नहीं बैठा, मैं नहीं बैठा, बस मैं यहाँ पे बस ऐसे ही घूम रहा था एक्सप्लोर कर रहा था और फिर बढ़ने लग गया आगे की ओर। दोस्तों यहाँ पे जो आपको पीछे ये जगह दिख रही है ये अल्कट्राज प्रिजन है, यहाँ पे अमेरिका के सबसे नोटोरियस क्रिमिनल्स को रखा जाता था, अभी इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप जा सकते हो, देख सकते हो और पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हो। इनफैक्ट फन फैक्ट, ये जो अल्कट्राज प्रिजन है इसको मैंने मेरे गेम प्ले चैनल के ऊपर निखिल मालकर प्लेस के ऊपर काइंड ऑफ दिखाया था, तो वो वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो भी चेकआउट कर लीजिए। मैं मेरे कन्नू उसके साथ गेम खेल रहा था वॉचडॉग्स 2,
तो वहाँ पे मैंने इसके बारे में बात की है थोड़ी, एंड वो आप चेकआउट कर लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रीम है। बट अभी मैं फिज़िकली यहाँ पे आया हूँ तो यार बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एंड एकदम माइंड रिफ़्रेश हो गया। सुबह सुबह जल्दी उठा मैं, पूरा एकदम बोलते ना टाइम डिफरेंस को एडजस्ट हो गया, और अभी एकदम फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मॉर्निंग वॉक होने के बाद मैं निकल गया अपनी मीटिंग्स की, और मीटिंग्स वाला पार्ट मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ये व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर बाद में मैं मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में। अगले पार्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें कवर होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।